आतंकवादियों को बदतर मौत मिलनी चाहिए। बने रहे आप हमारे साथ। तो अवंतीपुरा में आतंकी हमला जो हुआ उसमें भरतपुर जिले के सपूत जीतराम गुर्जर भी शहीद हुए हैं। जीतराम नगर के सुंदरावली के रहने वाले बताए जा रहे हैं और शहीद के भाई विक्रम सिंह को फोन कर सेना की ओर से शहादत की सूचना मिली है। इसके बाद से उनके घर और गांव में मातम पसरा है। तो फोन पे सूचना आती है और शहादत की खबर घर में मातम की तरह फैल जाती है और पूरे गांव में भी मातम पसरा हुआ रहता है। और ये उनके गांव की ताजा तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। जब पता चलता है कि यहाँ का सपूत वीरगति को प्राप्त हुआ, अवंतीपुरा में जो आतंकी हमला हुआ उसमें भरतपुर जिले के सपूत जीतराम गुर्जर भी शहीद हुए हैं। जीतराम सुंदरावली नगर के रहने वाले थे और शहीद के भाई विक्रम सिंह को इसकी सूचना फोन के जरिए दी जाती है। अभी हमारे यहाँ से वो 12 तारीख को छुट्टी काट गया है और बहुत बुरी दर्दनाक हालसा हुआ है। हम पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल मुर्दाबाद की जयकारे, ऐसा बिल्कुल अनहोनी किया है। हम इससे बहुत घृणा करते हैं, इस देश से हमको बहुत घात लगी है। हमारा बच्चा है, उसकी अभी 2 बेटी हैं केवल, अभी शादी हुई है, ना ही बच्चा है। ये हमारे गांव का सुंदरावली का ही रहने वाला है, बहुत गरीब घर के बच्चा है। इसको देखते हुए इस पाकिस्तान ने जो हरकत की है वो बहुत घिनौनी हरकत की है। ऐसे लोगों को फांसियों की सजा या देश से को बिल्कुल ही निकाला कर देना चाहिए यहाँ से। मैं इस बात को बहुत उससे कहता हूँ। तो दुख की ये घड़ी है और जितना गुस्सा किया जाए, जितनी बातें कही जाए और जिस तरीके के निंदनीय शब्दों का इस्तेमाल किया जाए वो आज कम पड़ेंगे। लेकिन आज पूरा भारत इन शहादत को सलाम कर रहा है। चौमू की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पे, जहां